उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आपने हवन कुंड बनाकर बुलडोजर यज्ञ किया। नवाबगंज में आम आदमी पार्टी कार्यालय में कानपुर देहात के ग्राम में बुलडोजर घर द्वारा एक घर ध्वस्त किए जाने पर इस अत्याचार को न सह पाने कारण मां बेटी की जलकर मौत होने की घटना के विरोध होते हुए रोहिलखंड प्रांतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कार्यालय के सामने हवन कुंड बनाकर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर यज्ञ किया, जिसमें बुलडोजर को आहूत किया गया। यज्ञ में जिला अध्यक्ष राम सिंह मौर्य, बरेली प्रभारी दानिश खान ने भी आहूति दी। सुनीता गंगवार ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली सरकार है जो कि बेघरों के घर देने के बजाय लोगों के बेघर कर रही है। सरकार लोगों को बेघर कर सरकार बताएगी। हिंदुस्तान की 70% जनता जो गांव में रहती है उनके पास अपनी जमीन अपने मकान के कागज होते हैं, अगर नहीं तो ये सिस्टम की कमी है। मैडम जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में जो आज आहूति दी है बुलडोजर को। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ही ये आवाज उठाई है, जो विनाशकारी बुलडोजर है जिसे कहते हैं बाबा का बुलडोजर। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है किसी का घर तो बसा नहीं सकते, लेकिन घर उजाड़ने में जरूर लगे हुए हैं। और मैं उनकी ये जो अवैध कार्यवाही के नाम पर बुलडोजर की प्रक्रिया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपकी अवैध की परिभाषा क्या है। आप गांवों में बुलडोजर चला रहे, गांवों में क्या मकानों की रजिस्ट्री होती है? क्या गांवों में किसी के कागज होते हैं? 70% हिंदुस्तान गांवों में बसता है, तो आप 70% हिंदुस्तान को जो है बुलडोजर चला के प्लेन कर दीजिए। ये अवैध की परिभाषा होती है? एक देश की सरकार का कर्तव्य होता है कि वो बेघरों को घर दे, ये ना कि घर वालों को बेघर कर दे। आज ये सरकार ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक विश्व में शायद ही किसी सरकार ने किया हो, कि लोगों को, गरीबों को बेघर कर रही है। और इनके नेता जो बड़े बड़े नेता अवैध बड़े बड़े कब्जे किए हुए हैं, वहाँ पर ये बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? योगी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अपनों के लिए ये कार्यवाही नहीं है, केवल आम जनता के लिए ये कार्यवाही है? ये कार्यवाही नहीं है, ये विनाश लीला मचा रहे हैं। और ये विनाश लीला आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये विनाश लीला हम नहीं होने देंगे। हम इस्तीफे की मांग करते हैं योगी सरकार से कि आपको नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए ये इस्तीफा दे देना चाहिए आपके प्रशासन ने जो ये कार्यवाही की है कि एक माँ बेटी को जल के मरना पड़ा बेघर होने के कारण।